हमारे दोनों तरफ जंगल है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड व्यू एक बार चेकआउट कर सकते हो। ये देखो कितना प्यारा व्यू है, केरला नंबर, मतलब एक चीज तो आप लोगों को सच बताओ यार, केरला वाले हर जगह मिल जाएंगे। सो हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। एंड अभी आप लोग सोच रहे हो भाई सिलीगुड़ी में हो तो मैं कहाँ हूँ, किसके घर पे हूँ, तो पहले मैं दिखाता हूँ भाई को। तो ये रहा अपना भाई कृष्णा, एंड इससे मैं मिला था भाई 2 साल पहले जब अपनी वैम को लेकर हम लोग आए थे इस राइड पे, मतलब सिक्किम राइड पे। ऑल दो अभी इसके घर पे हम लोग आ चुके हैं, यहाँ पे देख सकते हो व्लॉग अपलोड हो रहा है क्योंकि भाई होटल का वाईफाई बहुत ही ख़राब था। एंड यहाँ पे 37% अपलोड हो चुका है, जो लास्ट व्लॉग आपने देखा था वो हमने एडिट करके अपलोड कर दिया। तो अभी यहाँ से हम लोग निकलेंगे सीधा होटल की तरफ, मैंने पैकिंग वगैरह ऑलमोस्ट कर लिया है, मैंने सोचा बस व्लॉग अपलोड करेंगे, लैप ही रखेंगे एंड फिर यहाँ से निकलेंगे फॉर गैंगटॉक। तो बिना लेट के भाई यहाँ से निकलते हैं एंड उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं सीधा होटल पहुँच के। अभी हम लोग वापस आ चुके हैं होटल में एंड सब कुछ पैकिंग वगैरह हमने कर लिया है, आप देख सकते हैं हमारा बैग वैग पड़ा हुआ है। तो अभी हमारा सीन है यहाँ से हम लोग जा रहे हैं सीधा गैंगटॉक की तरफ। ऑल्दो मैंने सोचा था कि सुबह निकलेंगे अर्ली, बट लेट होते होते काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया। ऑल्दो आज का प्लान है सिर्फ और सिर्फ गैंगटॉक जाके वहाँ पर रुक जाना। अभी कृष्णा आ रहा है, ऑलमोस्ट आई थिंक आ ही गया वो, बस उसका वेट कर रहे हैं, सौरभ से मिल लेते हैं एंड फिर चलते सीधा यहाँ से गैंगटॉक की तरफ। बैग जो है भाई वो अकेले उठ नहीं रहा है, भाई आ रहा है हेल्प करने के लिए। तो फाइनली हमने बाइक पे कुछ इस तरीके से सेटअप कर दिया जैसे हम लोग लेकर आए थे एंड वेदर देखो कैसा चेंज हुआ, इट्स रियली अनप्रेडिक्टेबल, बारिश हो भी सकती है भाई। और भाई ये आंधी आ गया, ये देखो मतलब निकलने से पहले ही ये आंधी तूफान आ चुका है, ओ माई गॉड ये देखो। तो चलो देखते हैं अब जैसा हो, बारिश हो धूप हो तूफान हो कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं अपने को, लेट्स गो। थैंक यू भाई फॉर दिस, वापस आते फिर मिलते बहुत जल्द क्योंकि फिर वापस आके व्लॉग अपलोड करना है। तो चलो यहाँ से निकलते गाइस। तो अभी हम लोग सिलीगुड़ी से निकल के आ चुके हैं भाई गैंगटॉक वाले रोड में एंड ये अभी सिवोके रोड है, आगे सिवोक आएगा उसके बाद फिर हम लोग टच करेंगे गैंगटॉक वाले रोड को। अभी तक तो भाई फिर भी फ्लैट फ्लैट है, मतलब हम लोग अभी प्लेन्स पे ही चल रहे हैं एंड जैसे कर्वी रोड्स आएंगे उसके बाद मज़ा और भी ज़्यादा आने वाला। पीछे थोड़ी बारिश हो रही थी तो मैंने गोप्रो ऑन नहीं किया था, मैंने सोचा चलो आगे कहीं आराम से रुक के गोप्रो ऑन करेंगे एंड फिर आप लोग को नज़ारा दिखाएंगे। हमारे दोनों तरफ जंगल है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, एंड यहाँ पर जगह जगह पर एलिफेंट क्रॉसिंग जोन भी है। तो आप बस इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब भी इधर आएंगे तो भाई एलिफेंट क्रॉसिंग जोन है, बाइक का स्पीड आराम से 50-60 रखना क्योंकि अगर सडन ब्रेक मारने का ज़रूरत पड़े तो आप लगा सको। और ये जो लोकल गाड़ी वाले ये लोग बहुत ही रैश चलाते हैं, इनसे थोड़ा बच के रहना क्योंकि ये लोग ना बिना देखे कहीं भी दबा देंगे आप लोगों को, तो थोड़ा बच के रहना इनसे। तो अभी तक का तो रास्ता काफ़ी अच्छा था गाइस एंड अभी हम लोग आगे की तरफ चल रहे हैं। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, अभी हम लोग सिक्किम एंटर नहीं किए, अभी हम लोग वेस्ट बंगाल में ही है एंड व्यू एक बार चेकआउट कर सकते हो। ये देखो कितना प्यारा व्यू है एंड ये पूरा का पूरा तीस्ता रिवर है। एक और चीज़ मैं बताता हूँ आप लोगों को कि सिलीगुड़ी से आप लोग जब गैंगटॉक की तरफ जाओगे आपको पूरा राइट हैंड साइड में आपको तीस्ता रिवर ही देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आजकल यहाँ पे बहुत ज़्यादा व्लॉगर भी आ रहे हैं एंड बहुत ज़्यादा राइडर्स भी आ रहे हैं, आप देख सकते हो सामने भी है, बहुत सारे राइडर्स मुझे रास्ते में भी मिले। अब तक तो रास्ता पूरा अच्छा ही है, आगे का रास्ता पता नहीं, होपफुली बस रास्ता अच्छा हो, बारिश हमें नहीं मिली अभी, ये अच्छी चीज़ है। अगर बारिश वारिश मिल जाएगी तो भाई फिर थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। अभी आप सामने देख सकते हो रॉयल इनफील्ड क्लासिक केरला नंबर, मतलब एक चीज़ तो आप लोगों को सच बताओ यार, केरला वाले हर जगह मिल जाएंगे। अभी मैं लद्दाख गया था लास्ट ईयर, वहाँ आपको मिल गए, फिर मैं अभी गया था मस्तांग तो वहाँ भी मिल गए एंड अभी दार्जिलिंग गैंगटॉक सिक्किम हर जगह, मतलब बताओ तो इन लोग को ना अलग ही लेवल का भाई स्पिरिट है इनके अंदर क्योंकि नेक्स्ट लेवल ये लोग राइड करते हैं और इतनी लॉन्ग लॉन्ग राइड वो भी रॉयल इनफील्ड जैसी बाइक पे, मतलब हेड्स ऑफ है यार इन लोगों के लिए। खास करके लोग हिमालयन ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि पहाड़ वहाड़ वाले एरिया में बेस्ट हो जाता है, मतलब अगर देखा जाए तो एज़ कम्पेटिवली, बट अपनी ज़ारा भी भाई कहीं कम नहीं है, मुझे कहीं तक अभी तक प्रॉब्लम नहीं आया। मैंने कल ही टैंक फुल कराया था, कल पूरा सिलीगुड़ी, एक्चुअली एक दिन जो मैं सिलीगुड़ी में स्टे किया उसका कुछ भी व्लॉग नहीं कर पाया क्योंकि पूरा सिलीगुड़ी एक्सप्लोर किया। यहाँ पे अभी सप्तमी पूजा था, टुडे इज़ अष्टमी, एक्चुअली दुर्गा पूजा के टाइम में राइड कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा रश था तो मैंने सोचा व्लॉग वगैरह नहीं करते। तो इंस्टाग्राम पर जो भी लोग कनेक्टेड है उन्हें पता होगा कि भाई मैंने कुछ स्टोरीज़ वगैरह डाले थे तो वहाँ पे आप लोगों को मैंने थोड़ा बहुत घुमाया है सिलीगुड़ी। तो इसलिए बोलता हूँ गाइस जल्दी से जाओ इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, इंस्टाग्राम पे अगर आप लोगों ने फॉलो नहीं किया तो भाई क्या किया, सच बता रहा हूँ इंस्टाग्राम पे सब कुछ क्विक अपडेट्स मिलते हैं। जिन्हें मिलना था वो लोग इंस्टाग्राम के थ्रू देख कर मिलने भी आ गए। तो बस इसी तरीके का कुछ हमारा भी प्लान है, जल्दी से पहुँचते हैं गैंगटॉक। अभी टाइम हो रहा है दोपहर का 1:11 एंड 75 किलोमीटर्स बचे। अभी मैं पीछे थोड़ा रुक गया था, बारिश काफ़ी तेज़ हो गई थी तो
बट इट्स ओके यार, बारिश वारिश तो मिलते रहती है, जगह हमें थोड़ा बहुत ऑफ रोड पैच मिला। अदरवाइज मैं सोच रहा था तब से कि रोड अच्छे ही है पूरे, बट ऐसा रोड भी मिलना ज़रूरी है, तब तो राइड का थोड़ा फन होगा। एंड अब तो भाई यूज टू हो गया हूँ ऐसे रोड्स का, मज़ा आता सच बताऊँ तो। तो अभी हम लोग गए तीस्ता ब्रिज पे एंड बारिश भाई रुक चुकी है पूरी तरीके से, ये सबसे बेस्ट चीज़ हुआ हमारे लिए, अदरवाइज बहुत बुरा लग सकता है। व्यू एक बार चेकआउट करो आप, बहुत ही अमेजिंग व्यू है इधर का। एंड अब यहाँ से भाई लगभग 64-65 किलोमीटर्स और बचे हैं गैंगटॉक के लिए। लोग यहाँ पे रुक के मस्त फोटोज़ वगैरह क्लिक करवा रहे हैं। राइट हैंड साइड में ये जो रास्ता, ये जाता है टुवर्ड्स कलिंगपोंग, मतलब कलिंगपोंग सिटी की तरफ, एंड हमें जाना है टुवर्ड्स गैंगटॉक, तो हम लोग ये नीचे वाला ले लेंगे। अगर हम लोग सीधे जाएंगे जिन्हें कलिंगपोंग जाना है उनके लिए ये रास्ता सही है। सो अभी आप सामने देख सकते हो ये वाला जो रूट है ये अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, हमें जाना इस तरफ से, शायद किसी रीज़न से बंद होगा या फिर ये ब्रिज नया बना, हमें टाउन होकर जाना है इधर अंदर की तरफ से। और तो वहाँ से गैंगटॉक थोड़ा ज़्यादा पास दिखा रहा है, मतलब कुछ किलोमीटर और कम हो जा रहा है, बट अब तक स्टार्ट नहीं हुआ तो कोई ऑप्शन है नहीं अपने पास। तो ये वाला जो ब्रिज है ये हमें सीधा कनेक्ट करता है सिक्किम को, मतलब दिस इज़ द बॉर्डर एग्जैक्टली। अभी हम लोग एंटर करने वाले सिक्किम में आ गए, आपको मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर गेट बना पड़ा है वेलकम टू सिक्किम का, बोर्ड साइन बोर्ड है। हैव अ लुक गाइस, वेलकम टू सिक्किम। फाइनली गाइज वी आर इन सिक्किम, चेक पोस्ट हमने क्रॉस कर लिया है। पता नहीं किस चीज़ का ट्रैफिक जाम है, बहुत ही लंबा ट्रैफिक जाम है सच बताओ तो। अगर कार से रहता तो यहाँ पे बहुत बुरा अटक जाते, दो घंटे तो भाई आराम से लग जाते इस ट्रैफिक में हमें। अभी लगभग 1.5 किलोमीटर का ऐसे ट्रैफिक जाम है, बाइक से हो तो भाई आराम से इस लेन पर आके स्विच करके निकाल पा रहा हूँ बाइक को, आगे से अगर गाड़ी वाड़ी आ रही है तो आराम से लेन में शिफ्ट कर दे रहे हैं। बहुत ही लंबा ट्रैफिक है भाई, बहुत ही लंबा। यहाँ पे रोड थोड़ा ख़राब है जिसकी वजह से ये ट्रैफिक लगा पड़ा है। अब देखते हैं किस टाइप का रोड है, क्या है। ओके, दिस इज़ द लैंडस्लाइड प्रोन एरिया, दैट्स द रीज़न। भाई ये आगे एक छोटा सा टनल, इसका नाम है बडांग टनल। ओ ओ भाई, और ट्रैफिक ना दोनों तरफ से लग चुका है क्योंकि वहाँ पे रोड डैमेज है, उसकी वजह से सब लोग स्लो डाउन हो जा रहे हैं। और समझ लो पहाड़ पे यार इतने ज़्यादा गाड़ियाँ चल रहा है, अगर कोई भी स्लो हो जाएगा तो उसकी वजह से पूरा का पूरा लेन डिस्टर्ब हो जाता है। वी आर क्रॉसिंग रंगपो, एंड यहाँ का जो ये इस टाइप का ब्रिज है ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखो एक ऊपर से हो गया एंड ये नीचे से, ये रिवर क्रॉसिंग के लिए वॉकिंग ब्रिज है। और अभी ये एक और टनल हमें मिल चुका है, एंड इसके जस्ट बगल में एक और नया टनल बना है, बट वो अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, वो है अंडर कंस्ट्रक्शन, तो होपफुली अपकमिंग डेज में वो भी कंप्लीट हो जाएगा। मतलब देख के तो लग रहा है बस उसका एंड वाला पार्ट बाकी है। सच बताओ तो यहाँ पर अगर आप कार से आओगे ना तो बहुत ही लंबा ट्रैफिक में फंस सकते हो। चलो यहाँ तो अपन निकल जाएंगे, और इस लेवल का ट्रैफिक है ना कि यहाँ पे अगर आप कार से आओगे तो कोई ऑप्शन ही नहीं है निकलने का। तो ये जो ट्रैफिक है उसका बस सिर्फ और सिर्फ एक यही रीज़न है, यहाँ पे देख सकते हो रोड ख़राब है और यहाँ पे शार्प यू टर्न है, दैट्स द रीज़न। बस 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 हो गया भाई, मुंह काला नहीं करना मुझे। अभी हमें फिर से मिल चुका है ख़राब रास्ता, एक्चुअली यहाँ पे ना थोड़ा लैंडस्लाइड प्रोन एरिया दिख रहा है, पीछे भी काफ़ी ज़्यादा लैंडस्लाइड वाला एरिया था, बट वहाँ पे तो मैंने गोप्रो ऑन नहीं किया। यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखो लेफ्ट हैंड साइड में पूरा ये लैंडस्लाइड हो रखा है। तो अभी यहाँ पे ये वाला रास्ता आप लोग चेकआउट करो यार, क्या हाल हो रखा है रास्ते का। एंड अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ 12 किलोमीटर्स पीछे है, 15 से 20 मिनट में पहुँच जाएंगे, बट रास्ता जो है वो बहुत ही बुरा है। अभी आई डोंट नो ये कितना दूर तक ख़राब है क्या है, बट ये देख सकते हो आप लोग, वी हैव ऑलमोस्ट रीच गैंगटॉक। एंड देख लो अभी टाइम बज रहे 5, एंड हमारा जो होटल है वो है अभी भी 3.6 किलोमीटर, तो वो एग्जैक्ट कहाँ पे क्या है वो हमें नहीं पता भाई, गूगल मैप हमने लगा लिया है, टाइम इज शोइंग 14 मिनट्स, क्योंकि इधर ना ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है सिटी के अंदर, और पीछे का रास्ता भी थोड़ा ख़राब था, दैट्स द रीज़न।
तो गाइस, तो फाइनली हम लोग कल रात को होटल पहुंच चुके थे। काफ़ी ज़्यादा बारिश हो गई थी, मैं बहुत ज़्यादा थक भी गया था, तो मैंने सोचा कि व्लॉग को कल तक कंटिन्यू करेंगे। मतलब आज भी जो व्लॉग हम लोग करेंगे वो पूरा का पूरा एक ही व्लॉग बना देंगे, क्योंकि गैंगटॉक आने का मतलब जो रास्ता था सिलीगुड़ी से वो ज़्यादा दूर का था भी नहीं, तो काफ़ी छोटा व्लॉग हो जाएगा। दैट्स द रीज़न मैंने सोचा कि दो दिन का व्लॉग एक ही दिन में ला देंगे। तो अभी आपको मैं अपने होटल के बाहर का चेकआउट कराता हूँ नज़ारा। सो हैव अ लुक गाइस, कुछ इस तरीके का व्यू आप चेकआउट कर सकते हो। काफ़ी ज़्यादा मतलब इधर अभी क्लाउडी है एंड बारिश भी हो रही है थोड़ी बहुत। वैसे कल से बारिश हो रही है, कल से जब से हम गैंगटॉक आए बारिश ही बारिश हो रही है। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि यहाँ से घूमने कैसे जाऊँ, मतलब यहाँ से कहीं भी निकलूँ। आप देख सकते हो सब लोग अम्ब्रेला कैरी कर रहे हैं, मैंने तो कुछ कैरी किया नहीं है। तो या तो रेनकोट पहन के ही निकलना पड़ेगा या किसी से अम्ब्रेला भाई खरीदना पड़ेगा या फिर होटल वाले से देखता हूँ बोरो करके। अभी से यहाँ के आगे का जो भी ब्लॉग होगा वो मैं ट्राई करूंगा आईफोन से ही लेने का, क्योंकि कैमरा लेके बाहर जाना कोई मतलब बनता नहीं है। बारिश हो रही है, इसको कैरी करके कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि इसको यूज ही नहीं कर पाएंगे। तो चलो गाइस, यहाँ से निकलते हैं एंड सीधा आप लोगों से मिलते हैं ऑन ज़ारा, मतलब अपनी बाइक को निकालते हैं। बाइक भी पूरी भीगी पड़ी होगी तो इसको भी थोड़ा वाइप ऑफ करते हैं। बाइक गंदी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी क्योंकि रास्ता जो है उसमें बहुत ज़्यादा डस्ट हो रहा था। मतलब सिलीगुड़ी से जब भी आप गैंगटॉक की तरफ आओगे ना, बी श्योर कि आप एक फुल फेस हेलमेट पहनो, अदरवाइज बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है। वाइजर ज़रूर लगा के रखना वरना डस्ट से आप पूरा भर जाओगे। तो चलो सीधा मिलते हैं गाइस आप लोगों से ऑन बाइक। तो अभी हम लोग आ चुके हैं अपनी बाइक पे, निकल चुके हैं फॉर हनुमान टॉक। ये जो रास्ता ऊपर जाता है ये जाता है फॉर एमजी मार्ग एंड हमें जाना स्ट्रेट। अभी डिस्टेंस अराउंड 8 किलोमीटर्स फ्रॉम माय होटल। एक्चुअली जो मेरा होटल है वो बिल्कुल एमजी मार्ग के पीछे है एंड होटल इज़ क्वाइट गुड। आपको मैं होटल का पूरा एक बार ओवरऑल टूर भी दूंगा क्योंकि काफ़ी अच्छा मतलब मुझे लगा होटल। एंड आई हैव टू गो दिस वे, वी आर इन क्लाउड्स एंड एक बार ये चेकआउट करें। बारिश होते ही ना यहाँ का वेदर तुरंत में चेंज हो जाता है, पूरा का पूरा वाइब एकदम डिफरेंट हो गया। कल जब आए थे काफ़ी ज़्यादा धूप था, बट जब हम लोग प्रॉपर होटल वाले एरिया में आ गए थे मतलब नियर अबाउट एमजी मार्ग, तो पूरा का पूरा बारिश होने लगा था। एंड यहाँ पे कब वेदर चेंज होगा कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। यहाँ का वेदर फोरकास्ट करना बहुत ही नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाला सीन है। एंड एक चीज़ मैंने यहाँ पर नोटिस किया कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा KTM के बाइक्स हैं, साथ ही साथ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डर्ट बाइक्स भी है। ओ माई गॉड, अभी ये पूरा क्लियर रहता ना तो सामने आपको पूरा व्यू दिखता, इट्स नॉट क्लियर। ये पूरा का पूरा स्लैंट है। सो ऑलमोस्ट वी हैव रीच्ड एंड ये देखो भाई क्या नज़ारा है। मेरी हाथ ना पूरी फ्रीज हो रखी है सच बताओ तो, वरना जल्दी जल्दी मैं ग्लव्स भूल गया होटल पे ही। एंड यहीं पे भाई आ चुके हम लोग हनुमान टॉप। बाइक का पार्किंग ढूंढते किधर लगाना, भीड़ देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे टैक्सी का। फाइनली वी हैव रीच गणेश टॉक टेम्पल एंड ऊपर एक्चुअली अलाउड नहीं है वीडियो लेना, तो आप ये चेकआउट कर सकते हो। कुछ इस तरह का नज़ारा है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है एंड मंदिर के अंदर तो आप सबको पता है कि हर जगह अलाउड नहीं होता फ़ोन यूज़ करना। हमने आपको दिखाया गणेश टॉक एंड अब हम लोग निकल रहे हैं टुवर्ड्स भक्तांग वाटरफॉल जो कि है 6.7 किलोमीटर फ्रॉम दैट प्लेस। जो रियल लाइफ में यहाँ पे स्ट्रगल होता है मतलब आप चेकआउट कर सकते हो फोटोज के लिए। भाई इतना ज्यादा रश, बट लोग सोचते हैं कि इट्स इजी टू मेक कंटेंट, बहुत ही मुश्किल होता है। कैसे कैसे लोग आ रहे हैं आप यहाँ पे देख सकते हो। आपको वहाँ का टाइम लैप्स अच्छा लगा होगा एंड अभी का ये नज़ारा चेकआउट करो, कुछ भी नहीं दिख रहा है, फॉग हद से ज़्यादा बढ़ चुका है। आई नो गोप्रो में थोड़ा ज़्यादा क्लियर दिखता होगा बट एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फॉग हो रखा है। स्टिल 4 किलोमीटर लेफ्ट फॉर भक्तांग वाटरफॉल और देखो आगे वाली गाड़ी भी नहीं दिख रही है, ना किसी ने लाइट जला रखा। मैं हज़ार्ड ऑन कर देता हूँ सो दैट मेरी बाइक पता चलते रहे। पहाड़ पर ना बहुत ज़्यादा रिस्क होता है इन सब चीज़ों का, फॉग में बहुत ज़्यादा चांसेस होता है एक्सीडेंट के, तो बी अवेयर ऑफ इट। कम से कम एटलीस्ट एक इंडिकेटर ज़रूर जला दो सो दैट आगे वाला समझ पाए कि हाँ आगे से गाड़ी आ रही है। इसे ये कार वाले ने जला रखा है, काफ़ी सही रखा है। ये रीच भक्तांग वाटरफॉल ये अपने लेफ्ट हैंड साइड में। अभी पहले बाइक कहीं पर अच्छे से पार्क करते हैं, ऊपर जिप लाइन भी हो रहा। वाओ मैन,
अभी अपन वापस से आ चुके हैं होटल की तरफ, क्योंकि बारिश काफ़ी तेज़ होने लगी थी ऊपर से। एंड हमने अम्ब्रेला ज़रूर कैरी किया था, बट रेन लाइनर में बस जैकेट लिया, नीचे का मैंने भूल गया था। तो वापस जा रहे हैं होटल एंड चेंज वेंज करके उसके बाद फिर निकलेंगे दूसरे लोकेशन के लिए। वहाँ पर इतनी तेज़ बारिश होने लगी थी, मैंने कुछ भी शॉट वगैरह नहीं लिया, बस इंस्टाग्राम के लिए स्टोरी निकाला। मैं बोलता हूँ कैसे इंस्टाग्राम पे हमेशा आप लोग कनेक्टेड हो जाओगे तो मज़ा आएगा, यू विल गेट क्विक इन्फॉर्मेशन एंड क्विक अपडेट्स देयर। तो ऊपर ये वाला रोड है, ये एमजी मार्ग का है। तो अभी हम लोग सोच रहे हैं चलते हैं एमजी मार्ग के ही तरफ, अब देखते हैं क्या नज़ारा होने वाला है इधर का। तो अभी हम लोग जा रहे हैं टूवर्ड्स एमजी मार्ग एंड यार ये स्टेयर्स वाला रास्ता मैं लिया क्योंकि आगे चल के बहुत लंबा रास्ता था। ये चेकआउट कर सकते हो गाइज़।